हाँ तो भाई, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी भाइयों को सावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं एक बहुत बेहतरीन फाइट सीन लेकर आ रहा हूँ। ये है बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान और आयुष शर्मा, अंतिम मूवी का ये फाइट सीन है। चलिए फिर इस वीडियो को देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। सलमान खान सामने में है और आयुष शर्मा सामने। आयुष शर्मा सलमान खान सर को गुस्सा दिला रहे ताकि वो उनसे दो दो हाथ कर सके। देखते हैं क्या होता है। आज वर्दी की इज्जत कर रहा हूँ साहब, इसलिए चुप हूँ। तू वर्दी की इज्जत कर जो विलन है हमारे आयुष शर्मा, डायलॉग तो अच्छा अच्छा मार पर सलमान खान सर बोले चलो तुम्हारी ख्वाहिश को पूरी कर दी। अब होगा सलमान खान सर वैसे आयुष शर्मा का बेहतरीन फाइट। देखते हैं क्या होता है। सलमान खान सर अपना कपड़ा निकाल रहे हैं, बोल रहे तुम वर्दी की इज्जत करो या ना करो लेकिन मैं तो जरूर करूँ। अब सलमान खान सर अपना वर्दी निकाल के दूसरे जो ऑफिसर उसे दे दिए हैं। अब देखते हैं क्या होता है। एक बेहतरीन ऐसा फाइट सीन होगा, एक बेहतरीन फाइट सीन की ओर हम जा रहे हैं जिसमें आयुष शर्मा की बेहतरीन फिजिक टाइट है और एक तरफ है हमारे भाई जान जिनका बॉडी फिजिक एकदम टाइट है। देखो फिर बताओ। तो जानता है क्या, मैं पूना का नया भाई। दोनों का कॉम्पिटिशन एकदम टाइट है। डायलॉग मार रहे हैं मैं पुणे का भाई हूँ। तो सलमान खान तो पुणे का नया सबके भाई, भाई जान है। मैं पहले से हिंदुस्तान का भाई हूँ। शेर को सवा शेर मिल गया, शेर को सवा शेर, एक रियल टाइगर हमारे भाई जान। भाई जान की फाइट पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। भाई जान जब मार करते तो सामने वाला बेहाल हो जाता है। कॉम्पिटिशन देखो कितना बेहतरीन है। चले थे सलमान खान से टक्कर लेने, लेकिन सलमान खान सर से ही चिप गए। भाई जान का वार सामने वाला बिहार। भाई जान का दाव पड़ता है तो सामने वाला चारों खाने चित हो जाता है। आखिरकार सलमान खान सर अपने इस साले को चित कर देते हैं। अब हत्करी पहला चौथे लेके चले जाएंगे जी। वीडियो को देखा, ये जो वीडियो है बहुत ही बेहतरीन है। इसमें फाइट सीन बहुत ही अलग लेवल का है जिसमें एक तरफ जीजा है तो एक तरफ साला है, दोनों का कंपटीशन बेहतरीन है। अंतिम मूवी का ये फाइट सीन है बहुत ही लाजवाब है जिसमें दोनों की जो फिजिक है बहुत ही एकदम टाइट है। तो इसी तरह से बेहतरीन वीडियो फाइट सीन का मैं लेकर आऊँगा और आपका एंटरटेनमेंट करूँगा। और आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएँ।